सबके माइक ऑफ होने चाहिए अब हम स्टेफन बोल्समैन फॉर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने पीछे जो ग्राफ थोड़ा सा देखा है वो उसको इसी से रिलेटेड है स्टेफन बोल्समैन फ्लॉ कहता है द थर्मल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी

सिग्मा सिग्मा आपके पास क्या होता है सरफेस एरिया होता है और जो एनएथर्मल एनर्जी है असल में वो बराबर है हमारे पास इस सिग्मा के सिग्मा आपके पास मैंने कहा आपसे सरफेस एरिया है ठीक है रेडिएशन जितने इमिट आउट हो रहे हैं पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेंपरेचर अब ये द ये जो नाम है स्टीफन बोर्ड लॉ ये दो साइंटिस्ट हैं जिसके मैंने पिक्चर्स भी डिस्प्ले की हुई है एक साइड पे जोसेफ स्टीफन है और दूसरी साइड पे लॉर्डविक इन दोनों साइड साइंटिस्ट ने मिलके ने, जो है ये लॉ जो है बनाया था और इनका ऊपर पीरियड भी लिखा हुआ यहाँ पर मुझे जो है वो दे का यूज करना चाहिए था थर्मोडायन थ्योरी the uh, अगर हम टेम्परेचर को लेकर बात करें तो टेम्परेचर थोड़ा सा रिलेट कर रहा होता है हमारे पास थर्मोडायनिक थ्योरी की तरफ से तो उसने उस कॉन्सेप्ट को और

वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो रेडिएशन जो आईटी इंटेंसिटी है असल में वो आईटी क्या रिप्रेजेंट करना है टोटल रेडिएटेड पावर सम्ड और इंटीग्रेटेड ओवर ऑल द वेवलेंथ एक मिनट इसमें द इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स द टोटल रेडिएटेड पावर सम और इंटीग्रेटेड ओवर ऑल द यानी उस हमारे पास उस पार्ट में से जितने भी जो रेडिएशन इमिट आउट हो रहे हैं असल में ये आई क्या है उन तमाम वेव के सम है अब मैं सम की बात करूं या इंटीग्रल की बात करूं दोनों एक ही चीज होते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में भी हम सम कर रहे होते हैं यानी प्लस कर रहे होते हैं हमारे पास वहाँ पर, पर सर, पावर प्लस में हो रही होती है अगर हम डिफ्रेंशिएट की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास माइनस हो रहा होता है है और उसकी वैल्यू दी हुई है ये टेम्परेचर का यूनिट दिया अच्छा इसके बाद जो है मेरे पास लॉ है. है कहता है मैक्सिमम जबकि ला मैक्सिम क्या है असल में वो वेवलेंथ है जो हमारे पास ईच पीक्स में हमें मिल रही होगी अगर आप ये ग्राफ देखे यहाँ पर ये यह ग्राफ है और उसी ग्राफ को मैंने इस तरीके से दिया ये मैंने ग्राफ जो है वो मॉडर्न फिजिक्स इंजीनियर मॉडर्न फिजिक्स जो जनरल फिजिक्स मैंने आपको बुक शेयर की थी उसमें से मैंने लिया है चैप्टर uh, है आपके पास मॉडर्न फिजिक्स का उसमें ये जो है डिस्क्राइब हुआ हुआ है अगर आप ये देखें इन्होंने कलर से भी दिखाया हुआ है ये जो रेड कलर का जो ग्राफ है ये वाला पॉइंट ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर टेम्परेचर आपके पास काफी आपको हाई uh, दिख रहा होगा यहाँ पर टेम्परेचर आपके पास थोड़ा सा मैंने डिफरेंस टेम्परेचर कर दिया है लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट देखें जो सबसे पीक वैल्यू वाला है वहां पर हमारे पास ये वेवलेंथ शो कर रहे हैं यहाँ पर वेवलेंथ आपके पास कम है और ये जो रीजन है असल में ये विजिबल रीजन होता है उसके बाद जो है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है हमारे पास जो है ना पीक्स भी कम हो रही हैं और एक चीज आपको और दिख रही होगी कि आपने देखा कि टेम्परेचर हाई है तो उस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी क्या मिल रही है हाई मिल रही है लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर लो होता जा रहा है हमारे पास इंटेंसिटी भी क्या होती जा रही है कम होती चली जा रही है और वेवलेंथ जो है बढ़ती चली जा रही है तो वो जो दो हमने पढ़ी टेम्परेचर इंक्रीज इजेंसिटी ऑल्सो राइजेज रेपिडली और एज द टेम्परेचर इंक्रीज द शॉर्ट ऑफ द वेवलेंथ तो दोनों रिलेशनशिप हमें मिल रहे हैं कि आपके पास जो वेवलेंथ थी टेम्परेचर और इंटेंसिटी दोनों जब हाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रही है।, है वो यूवी रेडिएशन होती है वो हाईली एनर्जेटिक होती हैं और इसके बाद जो विजिबल रीजन के बाद जो रीजन आ रहा था हमारे पास जो शॉर्ट वेवलैंड का है जिसकी हमने बात की थी वो हमारे पास इंफ्राड्रेड रीजन है <laughs> ठीक है तो इस ग्राफ की बात करूं देखिए अब इस ग्राफ में ये बताया हुआ भी है ये वाला जो है आपके पास विजिबल रीजन है जिसमें दिखाया हुआ है फोर हंड्रेड यहाँ पर यूनिट नहीं यूज किया गया तो इसमें तब परेशान की बात नहीं है यहाँ पर ये इसमें वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम में यूनिट दिया है आप एंगस्ट्रॉम को चेंज कर देंगे तो वो 10 की पावर समथिंग 10, 10, 10 की पावर माइनस -10 या 10 की पावर माइनस -8 सेंटीमीटर और मीटर का फर्क होता है तो आप देख रहे होंगे कि विजिबल रीजन से पहले यूवी रेडिएशंस है और विजिबल रीजन के बाद वाला जो हिस्सा है जहां पर आपके पास जो है वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है तो वो जो है इंफ्रारेड रीजनस है इसमें जो तो डिस्क्रिप्शन बताई गई है टेंपरेचर आपको दिखा रहे हो उस सरफेस का द वेवलेंथ ऑफ द कर्व पीक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर अब ये जो मैंने स्टेटमेंट यहां पर लिखा है ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है कर्व पीक्स

लेकिन वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है तो इसका मतलब इस से ग्राफ से हमें ये कंक्लूड हो रहा है द पीक इज डिस्प्लेस्ड टू शॉर्टलेंथ और ये हमें ग्राफ में भी दिख रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा आपके पास पीक जो है वो डिस्प्लेस होती जाएंगी और वेवलेंथ शॉर्ट होती चली जाएगी यानी कहने का मतलब है हमारे पास अगर मैं टेम्परेचर मोर हाई करूं तो हमारे पास ग्राफ जो है और पीक्स की तरफ चला जाएगा और वेवलेंथ और शॉर्ट होती चली जाएंगी यानी यूवी रेडिएशंस की तरफ चला जाएगा ये रीजन एनविट लना मैक्सिमम द वेवलेंथ एट विद द रेडिएशंस एमिटेड बाय अ कैविटी एट टेंपरेचर टी इट इज टी हैज इट्स अ एट टेंपरेचर टी और हेज मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने जो कि बात की थी आपके पास इंटेंसिटी जब टेम्परेचर हाई होता है तो हाईली एनर्जेटिक पावर जो है रेडियशन उसमें निकलती हैं और उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है लेकिन रेडिएशन uh, जो डिफरेंट वेवलेंथ होती है तो द कॉन्सटेंट इक्वेशन द कॉन्स्टेंट इन इक्वेशन वॉज रिड्यूसड बाईन ये जो है साइंटिस्ट था तभी इसने अपने नाम से जो है इस लॉ uh, को जो है वो मन, मनसूख कर दिया uh,

तो वहां से इन्होंने ले लेकर इसको जो है उसमें आपके पास एबजॉप्शन भी हो रही होती है एंड, एंडोथर्मिक में हमारे पास एब्सॉप्शन हो रही होती है अगर मैं गलत नहीं हूं और एग्जो में हमारे पास रिलीज यानी इमिट आउट हो रहा होता है um, तो यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को लेकर थर्मोडे के प्रिंसिपल को लेकर इन्होंने बात की है कि हमारे पास जो ब्लैक बॉडी अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है फिर जब उसका बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो वो रेडिएशन को एमिट आउट करना शुरू कर देती है इस कॉल्ड लॉ दिस लॉ इज इवीडियन इन फिगर टू इज दाई द टेम्परेचर यानी ये जो मैंने फिगर बनाई है ये is, uh, बात की जो है सबूत है कि आपके पास जैसे-जैसे टेम्परेचर जैसे हाई होता जाएगा वेवलेंथ जो है आपके पास शॉर्ट होती चली जाएगी एंड विच द रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस फॉर एग्जांपल as we heat up a piece of a matter in a fire अगर हमने एक मेटल ले लिया और उसको जो है आग में हमने उसको हीट देना शुरू की पहले तो वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा और उसका कलर जो है अ डल रेड होगा जैसे जैसे उसका टेम्परेचर हाई होता जाएगा एज द द कलर टू स्मॉलर वेवलेंथ यानी उसकी वेवलेंथ जो है वो शिफ्ट होती चली जाएगी उसकी एनर्जी बढ़ रही है लेकिन उसकी वेवलेंथ कम होती जा रही है इंटेंसिटी हाई हो रही है एनर्जी हाई हो रही है और टेम्परेचर uh, हाई हो रहा है लेकिन वेवलेंथ कम होती जा रही है एंड इट ग्लोज येलो ऑरेंज कलर और अगर मजीद टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो मेटल जो है वाइट कलर का हो जाएगा wien's law is also called wien's displacement law why relation between the temperature of a black body and the wavelength at which it emits the most light it is named after german physics physicist wien who received the nobel prize for physics in 1911 for discovering this law again just law tell us the object of different

टेम्परेचर मॉडरेट होता है तो इसी बात को ले लीजिए हॉटर ऑब्जेक्ट इमिटेड मोस्ट ऑफ द रेडिएशन शॉर्टर वेवल यानी जो बहुत ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट्स होंगे जितने ज्यादा वो रेडिएशन इमिट आउट करेंगे उनका कलर क्या है ब्लू है और फिर हमने बात की कि इससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक बात लिखी हुई है कि आपके पास जो है जो रेडिएशन सिमट आउट हो रही होंगी उसमें जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा पहले तो वो ग्लो कर रहा है रेड कलर का उस उसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वो येलो ऑरेंज कलर के हो गया फिर वो टेम्परेचर बढ़ा तो ब्लू हो जाएगा मजीद बढ़ेगा तो बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा और वाइट तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही हाई टेम्परेचर हो सकता है इट इज बेस्ड ऑन हॉटर ऑब्जेक्ट है कि इससे हमारे पास जो हॉटर ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है और वो ज्यादा रेडियेश इमिट आउट कर रहे होते हैं हायर फ्रिक्वेंसीज पे क्योंकि अगर मैं एक रिलेशन होता है हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिख सक ये अगर रिलेशन से आप लोग वाकिफ हैं E इज इक्वल्स टू एफ लैमडा अगर हम देखें तो इस लैमडा से फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशनशिप बन रहा है वो इनवर्स रिलेशन बन रहा है तो ये बात यहाँ से भी कंफर्म हो रही है आपके पास के इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ऑब्जेक्ट मोर एनर्जी दे मोर रेडिएशन एट हायर देन एट लोअर फ्रिक्वेंसीज़ यानी रेडिएशन ज्यादा इमिट आउट होंगे हायर फ्रिक्वेंसीज पे और जब फ्रिक्वेंसी हाई होगी आपके पास तो वेवलेंथ आपके पास कम होगी और जब फ्रिक्वेंसी लो होगी तो वेवलेंथ आपके पास क्या होगी ज़्यादा होगी तो ये रिलेशन भी यहां से जो है हमें बहुत कुछ बता रहा होता है। और की बात करें, हम उनके टेमपरेचर को क्या कर सकते हैं उससे डिटरमाइन कर सकते हैं अच्छा ये ग्राफ मैं बता चुकी हूँ अब है प्लांग्स लॉ जो है हमारे पास ये प्लांग साहब थे एक मिनट इनकी पिक्चर मुझे स्मॉल करनी पड़ेगी वरना आप लोगों का नजर नहीं आएगा Uh, जो हम अब तक हमने पढ़ा स्टेफन लॉ बोल्टमैन लॉ वेंस लॉ स्टेफन बोल्टमैन लॉ और वेंस लॉ उन दोनों साइंटिस्ट ने जो है हमें थर्मल रेडिएशन का कॉन्सेप्ट तो बताया लेकिन उसमें कुछ चीजें मिसिंग थी तो उन मिसिंग चीज को जो है सही से जो एक्सप्लेन करता है वो प्लांट्स का uh, जो है वो क्या करता है एक्सप्लेन करता है uh both these two scientists Stephens and Boltzmann's don't uh Stiff and veins don't tell the whole story about the thermal radiations now we, we seek to find expression for the spectral radiancy uh you do a spectral radiancy r into lambda comma t this is defined that so that the product of r d lambda d lambda gives the emitted power unit area whose wavelength

आपके पास जो इंटेंसिटी है वो इक्वल आ रही है इंटीगरियल इंफिनिटी आर इन टूडा कॉमी और हम जो है उसको इंटीग्रियल अप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेबलैंथ तो uh,

Many numbers of suggestions for functions R lambda t were put forward, but not a uh, nor agreed with the experiment data all the wavelength. यानी 18 हमने 1800, uh, 1800 <coughs> इसी के दौरान काफी जो है suggestions हुए इस functions पे काफी लोगों ने काम किया, लेकिन कोई भी uh, जो है उन तमाम uh, जो wavelength का data था उसको कोई भी experimentally तौर पे जो है पेश नहीं कर सका यानी मैं इस गर, जो है ग्राफ की बात कर रही हूँ जिसमें आपके पास एक साइड पे, पे वेवलेंथ है और क्या है वो प्लांक से जो है वो, वो क्या काम किया उसपे जिसपे ये कह रहा है कि आपके पास आई क्या है असल में रिप्रेजेंट कर रहा है उस कर्व को ये जो आपके पास कर्व बने हुए तो असल में ये एरिया है अगर मैं ये एक एरिया बन रहा है ये पूरा एक एरिया बन रहा है फिर ये एक एरिया बन रहा है फिर ये ये का हमें पीक्स मिल रही हैं, तो इंटेंसिटी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही है जहां पर आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर के हिसाब से दिया हुआ है और नाइनटीन हंड्रेड प्लांट्स प्रोपोज एक्सप्रेशन नाइनटीन हंड्रेड में प्लांट्स ने जो है वो फिर अपना उसने जो हमने बात की के इस प्रोडक्ट की आर इन

ऐसा आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 कैरीड आउट द इंटीग्रेशन आपके पास ये वाली इक्वेशन और इससे पहले वाली इक्वेशन जो ये है ये वाली एक ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन uh, अब यानी वेंसलो वाला फार्मूला और प्लांक्स लॉ का ये वाला फार्मूला इन दोनों को अगर आप सब्स्टिट्यूट करें इसी चीज में तो आपके पास ये सॉल्व होके आखिर में जो असल में स्टेफ़न बेल्टमैन लॉन्ग ड्राइव हो जाती है अगर आप ये दे देखें इसमें आपके पास स्टेफन बोल्ट लॉन्ग ड्राइव हुई जहाँ से आपके पास जो है सिग्मा uh, की वैल्यू निकल कर आ रही है टू लैमडा फाइव के फोर अपॉन फिफ्टीन सी स्क्वायर एच क्यूबो दैट लेमडा इज रिलेटेड टू द अदर फंडामेंटल कांस्टेंट तो अः uh, असल में यहाँ से ये बात हमें ये समझ में आ रही है कि लेमडा जो है जो सॉरी सिग्मा जो है आपके पास एरिया अंडर एरिया अंडर द कर्व सरफेस ये असल में रिलेट कर रहा है बाकी दूसरे फंडामेंटल कॉन्स्टेंट से भी जिसमें आपके पास क्या है वेवलेंथ भी है बोर्ड्समैन uh, कांस्टेंट है आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है और क्या है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है

बट द वैल्यू ऑफ लैमडा फॉर विच स्पेक्ट्रल डेंसिटी हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू लेकिन हमारे पास जो लैमडा होता है उसकी वैल्यू तो मैक्सिमम होती है हमारे पास तो अभी सिर्फ निकल कर जो वैल्यू सामने आई है वो सिर्फ जो है प्लांसेंट की वैल्यू निकली है और सिग्मा uh, की वैल्यू हमें पता चली है मैं बस ये खत्म करके मैं छोड़ दे दू तो वही बात है कि ऊपर पीछे से होना चाहिए इक्वेशन वन और इक्वेशन इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हमारे पास जो है असल में अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टीफन बोल्स जो लॉ था उसका इक्वेशन वन हमारे पास अगर मैं चलूँ थोड़ा सा पीछे ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला इन दोनों फार्मूले को कंबाइन करके मैक्सिमम को जो है इन्होंने इसको निकाला है और वो आ रहा है, Hc 4951 इसकी वीडियोस काफी देखी थी तो यहाँ पर शॉर्टलीक्सिम इंटू टी जो के बराबर आ रहा था किसके एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा था और वो कांस्टेंट असल में हमारे पास क्या निकल कर आया एच सी अपॉन फोर पॉइंट नाइन सिक्स फाइव वन कैलविन Where, uh, 19, uh, और Vance ने जो काम किया था उस पर उनको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर देयर वर्क इन क्वांटम थ्योरी और ऑल्सो यहाँ पर मजीद जब स्टीफन ने जो है हमारे पास प्लैंक्स uh, ने काम किया था तो वहां पर हमारे पास uh, हम जो है इन की एनर्जी भी फाइंड कर सकते थे और उसका फॉर्मूला है इज इजिकल्स टू एच एफ एफ मीन्स आपके पास फ्रिक्वेंसी ही है अमूमन हम यहाँ पर म्यू यूज करते हैं एफ आपके पास फ्रिक्वेंसी है e आपके पास एनर्जी ऑफ द है और एच आपके पास है। अच्छा मुझे इस ये जो मैंने लॉ आपको जो बताया है लॉ इससे पहले मुझे ये ये वाला लॉ भी डिस्कस करना था लेकिन मैंने इसको बाद में डाला है ये इतना इम्पोर्टेंस का नहीं था तो मैं आप लोगों को जो है आज ये जो प्रेजेंटेशन है मैं आज आप लोगों को जो है ये गूगल क्लासरूम पे ये डाल दूंगी तो वहां से आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिएगा वेड जींस फॉर्मूला आप लोगों ने थोड़ा सा खुद पढ़ना है अगर समझ में नहीं आता तो फिर आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी को इस तरह, इस तरह की चीज़ों में या तो वो मैसेज पे मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछ ले या हम कोई एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं उसमें हम पूछ सकते हैं क्लास मैं अभी यही खत्म कर रही हूँ रिकॉर्डिंग मैं इनशाला आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी और इससे पहले की जो अगर कुछ मिसिंग है तो वो चीजें भी मैं आप लोगों को दे दूंगी चल ठीक है इनशाला नेक्स्ट वीक बुध के दिन मुलाकात होती है सवा ग्यारह बजे अब uh, नमाज का वक्त हुआ है तो सबको अल्लाह हाफ